अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ही होगा। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ के शामी कबाब। अच्छा जी, उसमें हमें ये इंग्रेडिएंट जिसके लिए हमें बीफ चाहिए होगा 300 ग्राम, वॉश किया हुआ चने की दाल आधा कप भिगो कर रखी हुई है मैंने, आधा प्याज चाहिए, 2 अदरक के पीसेस, 6 से 7 लहसुन के जवे, अच्छा 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच पिसी लाल मिर्चे और 1 चम्मच नमक। ठीक है, प्याज मैं ये चॉप कर लेती हूँ, ज़्यादा बारीक नहीं, क्योंकि ये मैंने इसमें गोश्त के साथ ही मैंने इसको डालना है। ये सब मसाले, अच्छा जी ये सब मसाले हम देगची में डालेंगे और गोश्त के साथ ही गला देंगे। ये सबसे पहले मैंने गोश्त डाला, 2 कप पानी लिया है मैंने इसके अंदर, देगची में 2 कप पानी डाला है, गोश्त डाला, चने की दाल डाल दी है। उसके बाद ये सारे जो मसाले मैंने आपको बताए थे ये सब डाल देने हैं। अच्छा, ये पहले तेज़ आंच पे उबाल आने तक पकाना है, फिर उसके बाद नॉर्मल हीट पे रख देना है, 1 से 1.5 घंटे तक इसे पकाना है। अच्छा, ये मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मुझे धनिया की 1 गड्ढी, पुदीने की 1 गड्ढी चाहिए। ये सब मैं इसे चॉप कर लूँगी, हरी मिर्चें 3 से 4 और 1 पूरा प्याज। ठीक है, अब मैं इसे चॉप कर लेती हूँ। अब ये मैंने देखे 1 से 1.5 घंटा हो गया था, ये मैंने पीस लिया है, आपको दिखाया नहीं, मैंने पीस लिया है। ये अंडा है, ये मैं फेंट कर इसमें डाल देती हूँ, आप बगैर फेंटे भी डाल दें, क्योंकि इसे फिर इसी के साथ ही करना होगा तो वो हो ही जाता है, मैंने फिर भी थोड़ा सा कर लिया। अच्छा, ये चॉप करा हुआ मैंने प्याज है, हरी मिर्चें हैं, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद ये धनिया पुदीना, ये भी मैंने चॉप कर लिया था, आपको दिखाया था कितना कितना लिया, ये भी मैंने डाल। अच्छा जी, अब मैं इसमें और मसाला ऐड करूँगी, जिसमें मुझे चाहिए 2 चम्मच धनिया, साबुत धनिया जो होता है वो डालना है। उसके बाद ये है धनिया पाउडर, ये 1 चम्मच रखना है। ये है गरम मसाला, है ये भी फुल 1 चम्मच रखना है, ये मैंने हाफ हाफ करके डाला था इसलिए 2 दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा, मिक्स करने के बाद थोड़ा सा टेस्ट कर लिएगा कि नमक मिर्च ठीक है, अगर नहीं ठीक हो तो वो फिर डाल लिएगा। अच्छा, ये मैं मिक्स कर रही हूँ, ये देखें। अच्छा जी, मुझे इसमें नमक मिर्चें कम लग रही थी, मैंने कुटी हुई मिर्चें 1/2 चम्मच डाल दी इसके अंदर और फिर मिक्स कर दिया। अब ये शामी कबाब का मसाला रेडी है। अब मैं हाथ से टिकिया बना लूँगी, ये सारी मैं जितनी भी इसमें बनेंगी वो मैं टिकिया बना लूँगी, ये देखें, ये मैंने जूम करके दिखाई है। अच्छा, ये सारी मैं टिकिया बना लूँगी। अच्छा, ये पैन में, फ्राई पैन में करें या तवे पे, मैंने 1/2 कप तेल डाला है। अब मैं ये कबाब फ्राई करूँगी, ये मैं एक एक करके इस पे तवे पे रखती जाऊँगी। अच्छा, थोड़ा सा पहले नॉर्मल हीट करनी है ताकि ये गर्म हो जाए, फिर उसके बाद ये कबाब रख डालने इस पे। अच्छा, ये हो गई, ये मैं निकाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको और भी कलर दे सकते हैं, वैसे ये नॉर्मल कलर होता है, गोल्डन कलर है, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा जी, ये देखें मैंने डिश आउट कर लिया है। अब मैं ये चटनी की तैयारी कर रही हूँ। चटनी की रेसिपी मैं पहले भी आपको दे चुकी हूँ, इमली की चटनी है, धनिया है, इसमें लहसुन है, हरी मिर्चें हैं, ज़ीरा है और नमक है, और इमली का जो है मैंने पेस्ट बना के, मतलब इमली भिगो कर रख दी है, वो भी जब नरम हो जाएगी मैं इसमें इसका पानी डाल दूँगी। अच्छा, मैं ये रोटी बना रही हूँ, दोपहर का टाइम था, संडे है, तो फिर मैं कबाब और चटनी रेडी हो गई, तो भाई इसमें रोटी बना रही हूँ, उसके बाद खाना वाना खाएंगे, फिर हम लोग शाम में फिर बच्चों को लेकर बाहर जाना है, बच्चों का ऑफ है, तो फिर सोचा चलें बाहर लेकर चले जाते हैं। ये मैं बस रोटी बना रही हूँ, खाना वाना खाएँगे दोपहर में, फिर हम लोग बच्चों को लेकर शाम में चले जाएँगे। अच्छा, ये हम मैरीटाइम म्यूज़ियम आ गए हैं, बच्चों को इंजॉय करवाया और बहुत मज़ा आया। आप लोग भी आएँ इधर, बहुत अच्छी जगह है, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे यहाँ।